रात के अंधियारे में पूरा गांव अब कितना खामोश रहता है। यहाँ की हर चीज में एक क्रूरता झलकती है। धीरे धीरे अब वह घर खंडहर में तब्दील होते महल को देखकर इतना तो लगता है कि ये कभी सुख सुविधाओं की अद्भुत चमक से रोशन रहते होंगे। अब यहाँ के चप्पे चप्पे पर दर्द बिखरी पड़ी है। यहाँ बने घर का हर कोना जिसने देखे होंगे वह नज़ारे संगीत और गायन जिस की स्वर लहरियाँ बिखरी होंगी यहाँ की फिजा में। काश ये खामोश गवाह बोल सकते तो न जाने कितने भेद खोल देते और खोल देते हर वह राज जो दफन है इनकी दीवारों में, इनके दिलों में, इनके फर्श में, मेहराबों में, झरोखों में, सीढ़ियों में और यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। चुप क्यों हो गए दोस्त? मैं तो सुन रहा था। तुम ही खामोश हो मालती चौहान की दास्ता कहते कहते। वह एक गांव की गरीब लड़की अपने अदाकारी से एक नया मुकाम हासिल कर पाई थी, लेकिन उसको किसकी नज़र लगी नहीं कह पाऊंगा। दोस्त पहला वाला दास्ता बोलते बोलते खामोश हो चुका था, किंतु घर की दीवारों ने भी उनकी बातें सुनी थी। आखिरकार जब नहीं रहा गया तो एक दीवार बोल पड़ी। मालती चौहान एक छोटे से जिले की रहने वाली युवती है जिसकी शादी विष्णु राज नाम की लड़के के साथ हुई थी। कुछ दिन में विष्णु एक बच्चे का बाप भी बन गया। एक दिन किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो गया और ये दोनों ने अपने आपसी झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिससे लोगों ने देखना शुरू कर दिया। लोगों ने इतना देखा कि वीडियो वायरल हो गया। इतने व्यूज देखकर उन्होंने एक और वीडियो अपने झगड़े का बनाना शुरू किया और अपलोड कर दिया। मालती और विष्णु इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने अपने डेली चर्चा की वीडियो डालना शुरू कर दिया। कभी वो मालती को मारता था, कभी उसको पैरों से पकड़कर घसीटा था। इस तरह के वीडियो उनके चलने शुरू हो गए और देखते देखते उनके चैनल पर कई लाख लोग जुड़ चुके थे। अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि दोनों में अनबन होना शुरू हो गया। यह अनबन जिस तीसरे व्यक्ति को लेकर शुरू हुआ वह तीसरा व्यक्ति मालती चौहान का मुंह बोला भाई था, पर इसी से मालती चौहान का अवैध संबंध होने का विष्णु राज को शक हुआ। पर इसी बीच मालती ने अपने मुंह बोले भाई से शादी कर ली, वह भी विष्णु के मौजूदगी में। फिर कुछ दिन बाद विष्णु मालती को मना कर अपने घर लाया, जिसके कारण इन दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। बात यहाँ तक पहुँच जाएगी लोगों को पता ही नहीं चला। अभी लोगों का कहना है कि मालती ने आत्महत्या की है या उसको फांसी लगाई गई है या विष्णु मालती को मारा है। इस बात पर अभी पक्की मोहर नहीं लगी है। पुलिस की कार्रवाई के बाद इस बात का पता लगेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद पता लगेगा कि कौन मुजरिम है या यह मौत एक आत्महत्या है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।